नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज की श्रृंखला में आज सचिन शाह जी की स्टोरी आपको दिखाने वाला हूं। इस स्टोरी में जो हमको सीखने को मिलता है वो, जैसा मैं हर मेरे व्याख्यान में कहता हूं कि डायबिटीज के पेशेंट की स्टोरी क्या है। जब डायबिटीज डायग्नोज हो जाता है तो उसको ग्लाइकोमेट या मेटफॉर्मिन 500 मिलीग्राम गोली शुरू हो जाती है, बाद में वो बढ़कर 1 ग्राम हो जाती है, 2-3 साल के बाद उसमें ग्लिमिपराइड ऐड हो जाता है, फिर और कोई गोली ऐड हो जाती है, धीरे धीरे करके ऐसी हालत आ जाती है कि इंसुलिन पे लोग जाते हैं। कहाँ भी आप जाओ तो सभी डॉक्टर साहब को यही कहते हैं कि डायबिटीज के लिए जिंदगी भर आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो सचिन शाह के जिंदगी में यही हुआ, लेकिन जब इनको ये दूसरा तरीका समझ में आया और उन्होंने ये फॉलो करना चालू किया तो उनको बेहद विस्मयकारक, आश्चर्यजनक इनको नतीजे मिले। इनके स्टोरी में ये भी हमको देखने को मिलता है कि जो ग्रुप एडमिन हमारे होते हैं, जैसे इन्होंने विजित मांडरे और अपर्णा गाडगिल का शुक्रिया अदा किया है कि 1-to-1 जब काउंसलिंग होता है, जब आपको बात समझाई जाती है तो किस प्रकार से आपको 2 गुना 4 गुना फायदा होता है, ये भी उन्होंने अपनी स्टोरी में कहा है। एक बात उन्होंने ये भी कही कि जो अंदरूनी खुशी मिलती है, जबकि मेडिसिन बंद हो गया, डायबिटीज रिवर्ट हो गया या डायबिटीज से प्री डायबिटिक रेंज में आ गए, वजन कम हुआ, तो अंदरूनी जो खुशी होती है उसका कोई हम वर्णन नहीं कर सकते। दूसरी जो बात और अच्छी कि जो भी इस अभियान से कुछ पाता है उस अभियान को वो चीज़ वापस करने की भी उनकी जो कोशिश होती है वो भी सचिन शाह के स्टोरी से हमको देखने को मिलती है। दोस्तों, ऐसी सक्सेस स्टोरीज जो आपको मोटिवेट करती है आपके सामने या आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए आपसे विनती करूंगा कि डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब सचिन शाह की स्टोरी हम उन्हीं से सुनेंगे, धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, मैं सचिन शाह सांगली से हूँ। बाय प्रोफेशन मैं बी मैकेनिकल हूँ। मेरा खुद का टायर सेल्स एंड सर्विस का बिजनेस है। मेरे ख्याल से लास्ट 12 साल से मुझे डायबिटीज़ का तकलीफ था, गोलियाँ चल रही थी। पहले इनिशियल स्टेज में ग्लाइसिफिज 500 लेता था, बाद में डॉक्टर्स ने बढ़ा के उसको ग्लाइसिफिज G1 किया, बोले तो हायर डोज किया, दिन में 2 बार गोली लेता था। लेकिन 10-12 सालों में कभी भी शुगर मेंटेन हुई खाली, लेकिन लो नहीं हुई, कम नहीं हुई, नॉर्मल नहीं हुई। कुछ अरसे पहले, बोले तो अंदाजन 1-5 महीने पहले, मैंने सांगली DRC की ऐड देखी थी तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो वो देख के मैंने सांगली DRC में कांटेक्ट किया। वहाँ पे श्रीरंग केलकर सर जो है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया था कि क्या एग्जैक्टली दीक्षित लाइफस्टाइल है, तो मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं थी पहले स्टार्ट में। बाद में जब 4th 90 डेज चैलेंज शुरू होना था तो वो इन्फॉर्मेशन मुझे श्रीरंग केलकर सर ने ही दी और उनके कहने पे मैंने 90 डेज चैलेंज स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया तो इनिशियली जब रीडिंग लिए मेरे, तो तब मेरा HbA1c 8.4 था, फास्टिंग इंसुलिन 5.3 था और जो वेट था मेरा वो 68.3 केजीज था। पेट का जो घेरा है वो 98 सेंटीमीटर था। मैंने इंटर किया 90 डेज चैलेंज में। अभी आदत तो थी नहीं पहले इतनी, 2 बार खाते थे लेकिन इतना परफेक्ट नहीं होता था। स्टार्ट करने के बाद में 2 वक्त खाना, सुबह का मॉर्निंग वॉक, इनिशियली थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ मैनेज करना, लेकिन हमारे जो ग्रुप एडमिन है विजित सर और अपर्णा मैडम, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमको गाइड किया। जैसे कि दीक्षित सर ने तो लाइफस्टाइल समझाई हमको, उन्हें राह दिखाई, उन्होंने इतना से रिसर्च किया, स्टडी किया और वो लाइफस्टाइल फॉलो फिक्स किया, लेकिन एक्चुअली वो फॉलो कैसे करना है, वो सही राह पे चलाने वाले जो थे वो हमारे ग्रुप एडमिन विजित सर और अपर्णा मैडम, उन्होंने सब चलना सिखाया। फिर हमने फॉलो करना स्टार्ट किया। 3 महीने में धीरे धीरे उनके गाइडेंस में हमने हमारा वॉकिंग भी इम्प्रूव किया, बोले तो डिस्टेंस भी इम्प्रूव हुआ और पेस भी इम्प्रूव हुआ। मैं 16+ किलोमीटर तक पहुंच गया, लेकिन 2 महीने के बाद जब लास्ट मंथ था उसके इनिशियल स्टेज में, मुझे 2 बार मैंने हाइपोफेस किया,
73 हो गया था उस वक्त मेरा शुगर रीडिंग। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, हमारे DRC के डॉक्टर है डॉक्टर सतीश परांस पे, उन्होंने वो रिपोर्ट देखने के बाद सजेस्ट किया कि 5 दिन के लिए गोली बंद करो। फिर मैंने गोली बंद की, रिपोर्ट चेक किए, सर ने और 5 दिन एक्सटेंड किया, वापस रिपोर्ट देखे, सब नॉर्मल था। सर ने सजेस्ट किया जब तक अभी मेरा शुगर लेवल हाई नहीं होता वापस, तब तक के लिए बंद रखो। अभी मैं 1 महीने से ज़्यादा, अंदाजन 1.5 महीना हो गया, उसमें दिवाली का सीज़न भी निकल गया, तो उसके बाद भी मैं नॉर्मल हूँ। सर ने मेरा गोली पूरा बंद कर दिया। जब 90 डेज चैलेंज ख़त्म हुआ तो मेरा HbA1c का रिपोर्ट 6.3 हुआ, मेरा जो फास्टिंग इंसुलिन है वो 2.5 हुआ, वेट 57 kgs हुआ, तो वेट में भी 11.3 kg ड्रॉप हुआ, HbA1c 2.1 ड्रॉप हुआ, पेट का घेरा जो है वो भी 85 cm हो गया, बोले तो 13 cm पेट का घेरा भी कम हुआ। तो ये सब रिपोर्ट देखेंगे आप, तो ये सब चलते फ्रेश तो लगने लगा। देखो एक डायबिटीज पेशेंट है जो 12 साल से दवाई ले रहा है, डॉक्टर ने बहुत ट्राई किया, कभी शुगर लेवल नॉर्मल नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए कि मेरी गोली बंद हो गई। और आप समझ सकते हो कि कितना खुशी महसूस करता हूँ अंदर से, फ्री लगता है, अच्छा लगता है, लाइट है, सब ठीक है, लेकिन फिर भी इनर जो मेरा ये है कि इतना खुश हूँ, तो सब बातें अभी अच्छे लगने लगी है। सो ऑल क्रेडिट गोज़ तो बेसिकली बड़ा शेयर जो है वो दीक्षित सर का है, लेकिन उनके उनसे कम भी नहीं जो हमारे कम्युनिटी एडमिन्स है, बोले तो मनाली मैम, रेवती मैम और बहुत से है जिनका सबका मैं तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने लाइफ में मेरे बहुत बड़ा चेंज किया, जो 12 साल से नहीं हुआ वो 3 महीने में हो गया। इट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट, मैं खुद भी मानता हूँ कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि दिस इज़ नॉट द एंड, मुझे अभी भी मैं प्री डायबिटिक में पहुँचा हूँ, डायबिटिक से 6.3 बोले तो प्री डायबिटिक स्टेज है, अभी भी मुझे 5.7 से नीचे जाना है, और ये जब मैं फॉलो करूँगा ये लाइफस्टाइल पूरे लाइफ तक, मेरे एंड तक, तभी पॉसिबल है, ये भी मैं जानता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल दीक्षित सर एंड ऑल कम्युनिटी एडमिन्स, ग्रुप एडमिन्स, थैंक यू। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र, दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें, प्रत्येक भोजन को 55 मिनट के भीतर समाप्त करें, भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं, कम से कम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें, 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद वाली काली या हरी चाय, पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।